हेलो फ्रेंड्स, तो आई वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी निंजा। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक 6 एंड इट विल कवर करंट अफेयर्स फ्रॉम नवंबर 13 टू 14। मेरा नाम तेजस है, मेरे साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। फर्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड कांग्रेस ऑन रूरल एंड एग्रीकल्चरल फाइनेंस। तो रिसेंटली इसका 6th एडिशन हुआ था, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और किसने ऑर्गेनाइज किया था? अपराका, दैट इज एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन, प्लस अपना नबार्ड। तो नाम से समझ में आता है कि ये रूरल एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए क्रेडिट देता है, लोन वोन ये सब देता है। एंड दिस वर्ल्ड कांग्रेस प्रमोट्स द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपर्टीज ऑन रूरल फाइनेंस। ये अपराका जैसा है, वैसे ही और दो एसोसिएशन है, दैट इज नेनाराका एंड अफ्राका, दैट इज नियर ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन एंड अफ्रीकन रूरल एंड एग्रीकल्चरल क्रेडिट एसोसिएशन। ये तीनों का काम एक जैसा ही है और ये ऑल थ्री वर एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ FAO, दैट इज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द UN। नेक्स्ट, CJI अंडर द RTI एक्ट। तो रिसेंटली हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि CJI का जो ऑफिस है, इट विल कम अंडर दिस एक्ट, दैट इज RTI एक्ट। एंड इसी एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट विल बी ए पब्लिक अथॉरिटी। पर ये RTI एक्ट सर्वेलेंस के लिए यूज नहीं कर सकते, नहीं तो सब लोग पूछेंगे कि ये जज कब आ रहा है, ये जज क्यों नहीं आया आज, ये सब नॉनसेंस होगा। और इसी एक्ट के अंदर जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस होगा कलेजियम सिस्टम वाला, उसमें नेम्स जो है वो डिस्क्लोज कर देंगे, लेकिन उनके रीजंस नहीं। नेक्स्ट, कृष्णपट्टनम पोर्ट। तो ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। एंड इट इज नेम्ड आफ्टर विजयनगर एम्परर श्री कृष्णदेव राया। एंड इट इज अ माइनर पोर्ट, स्टेट का ज्यूरिसडिक्शन होगा, दैट इज आंध्र प्रदेश का। ठीक है, ये मेजर पोर्ट नहीं है। और इसका लोकेशन अच्छे से देख लेना, विशाखापट्टनम पोर्ट ऊपर है और एन्नोर पोर्ट नीचे। नेक्स्ट, मैच फिक्सिंग। तो रिसेंटली श्रीलंका हैज क्रिमिनलाइज्ड मैच फिक्सिंग अंडर द लॉ प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंसेस रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, एंड इट इज द फर्स्ट साउथ एशियन कंट्री टू डू सो। तो दाऊद भाई को बहुत गुस्सा आ गया है, पता नहीं इसके बाद श्रीलंका में लोग क्रिकेट खेलेंगे या नहीं। नेक्स्ट, जियो केमिकल बेसलाइन एटलस ऑफ इंडिया। तो ये एटलस किसने बनाया है? CSIR, नेशनल जियो फिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NGRI, दैट इज CSIR NGRI। तो नाम से समझ में आता है कि जियो केमिकल बेसलाइन मतलब अपना जो अर्थ का सॉइल का लेयर होता है उसके बारे में ये डिटेल देगा, तो कुछ ऐसे दिखेगा। तो बेसिकली इट विल प्रोवाइड 45 मैप्स ऑफ मेटल्स ऑक्साइड्स एंड एलिमेंट्स प्रेजेंट इन टॉप एंड बॉटम सॉइल्स। तो इससे क्या पता चलेगा कि किसका कितना कॉन्सेंट्रेशन है, कि मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा है, यहाँ पे कम है, कुछ ऐसे। एंड इट विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट फ्यूचर कंटेमिनेशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज। तो अब इंडस्ट्रीज अगर अपना वेस्ट ऐसे ही डिस्पोज कर देगा तो अचानक से पॉल्यूटेंट्स का लेवल जो है सॉइल में वो बढ़ जाएगा, और ये एटलस से समझेगा कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री की वजह से पॉल्यूटेंट्स बढ़ गए हैं। दैट इज इट विल हेल्प इन प्रूविंग वेदर द पॉल्यूटर्स, दैट इज इंडस्ट्रीज, आर कॉजिंग डैमेज टू एनवायरमेंट। नेक्स्ट, निमोनिया। तो रिसेंटली वर्ल्ड निमोनिया डे हुआ था, और तभी WHO बोलता है कि इट इज द सिंगल लार्जेस्ट कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। तो निमोनिया में होता क्या है? एयर सैक्स जो नॉर्मली ऐसे होते हैं वो ऐसे बन जाते हैं, दैट इज दे बिकम इन्फ्लेम्ड विथ फ्लूइड एंड पस। तो ऐसे कुछ बन जाता है। तो ये स्प्रेड कैसे होता है? बाय इंफेक्शियस एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई। तो तीनों से स्प्रेड होता है, याद रखना। एंड द मेजर रीजन इज रेस्पिरेटरी सिंकाइशियल वायरस, इट इज द मोस्ट कॉमन वायरल कॉज, एंड चिल्ड्रन एंड एल्डरली आर मोर वल्नरेबल टू निमोनिया, और फॉर्चुनेटली इट इज प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल। तो बहुत सारे एंजल्स को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट, बटरफ्लाई सर्वे। तो ये किसने किया है? केरला। किधर? वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी WWS एंड चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी CWS। तो बेसिकली वेस्टर्न घाट्स में। तो ये सर्वे क्यों करना पड़ा? क्योंकि बटरफ्लाई इज एन इंडिकेटर स्पीसीज, इट शोज द इंटर रिलेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इकोलॉजी। तो अगर बटरफ्लाइज बढ़ गए तो क्लाइमेट चेंज का असर कम हो रहा है, और अगर बटरफ्लाइज कम हो गए तो क्लाइमेट चेंज का असर बढ़ रहा है। और ये सर्वे ने बोला है कि सेन्ना स्पेक्टेबिलिस जो एक IAS है, दैट इज इन्वेसिव एलियन स्पीसीज, इसके वजह से भी बटरफ्लाइज का काउंट कम हो गया है। वो करता क्या है?
It suppresses the growth of many host plants of butterflies. तो ये indirectly butterflies का काम कम करते हैं. और अब वायनाड एंड चिन्नर वाइल्डलाइफ सेंचुरी के बारे में हम और जानते हैं. Both of them are not world heritage sites. तो याद रखना, important point है. दोनों सिर्फ consideration में है. And वायनाड सेंचुरी has the world's largest recorded population of the Asiatic elephant. और इसी सेंचुरी से काबिनी रिवर ड्रेन होती है. और चिन्नर सेंचुरी के बारे में जानते हैं. इट इज अंडर एराविकुलम नेशनल पार्क इन इडुकी डिस्ट्रिक्ट. तो वायनाड कर्नाटक साइड पे है और चिन्नर तमिलनाडु के साइड पे है. नेक्स्ट, एयर प्यूरिफाइंग डिवाइसेस. तो दिल्ली में ऐसे डिवाइसेस लगाए थे लेकिन दे हैव फेल्ड टू कंट्रोल द पॉल्यूशन. तो ये डिवाइस का नाम क्या है? वायु, दैट इज विंड ऑगमेंटेशन प्यूरिफाइंग यूनिट. इट एड्रेसेस द एयर पॉल्यूशन एट ट्रैफिक इंटरसेक्शंस एंड डेंस ट्रैफिक जोन्स कुछ ऐसे. एंड इट हैज बीन इंडिजिनियसली डेवलप्ड बाय CSIR नीरी. यहाँ पे नाम देख सकते हैं और इंडिजिनियसली का मतलब 100% इंडियन एफर्ट्स. तो ऐसे एक डिवाइस का कवरेज कितना है? 500 meter square. एंड इट वर्क्स ऑन टू प्रिंसिपल्स. फर्स्ट इज विंड जनरेशन फॉर डाइल्यूशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स एंड सेकेंड इज एक्टिव पोल्यूटेंट रिमूवल. इसमें क्या होता है? एक्टिवेटेड कार्बन कोटेड विद टाइटेनियम डाइऑक्साइड. तो ये जो एयर पोल्यूटेंट्स है इस पे चिपक जाते हैं. और ऐसे ही हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट अरेस्टेंस दैट इज हेपा फिल्टर्स होते हैं. इट ट्रैप्स 99.97% ऑफ पार्टिकल्स दैट आर 0.3 microns. कुछ ऐसे ये फिल्टर दिखता है. नेक्स्ट, बोलीविया. तो रिसेंटली बोलीविया में क्राइसिस हो रहा है तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो बोलीविया इज ए प्लूरीनेशनल स्टेट. प्लूरी मतलब प्लूरियलिटी है, मतलब मल्टी एथनिक नेचर. अपने इंडिया जैसे ही है. एंड इट इज ए लैंडलॉक कंट्री. मैप में यहाँ पे हम देख सकते हैं. एंड इट इज ए मेंबर ऑफ आंडियन कम्युनिटी दैट इज कैन बट नॉट ए मेंबर ऑफ मर्कोसुर. उसके मेंबर्स कौन है? बापू दैट इज ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड उरुग्वे. तो ये बी ब्राजील का है, बोलीविया का नहीं, बच के रहना. तो ये आंडियन कम्युनिटी कैन क्या है? ये एक फ्री ट्रेड ब्लॉक है, तो वही अपना आरसेप जैसा. एंड इसके मेंबर्स कौन है? बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडोर एंड पेरू. ये है बीसेप. जैसा आरसेप था ये बीसेप है. एंड इट वॉज फॉर्म थ्रू कार्टेजिना अग्रीमेंट. तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना. नेक्स्ट, ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF. तो रिसेंटली इंडिया को 43 million US dollars मिल रहे हैं फॉर अ प्रोजेक्ट टू बूस्ट क्लाइमेट रेजिलियंस. तो ये किनके लिए है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा. दीज आर 3 coastal states. ठीक है. और एक कौन कर रहा है? UNDP प्लस GCF. UNDP मॉनिटर करेगा और GCF पैसा देगा. तो ये GCF है क्या? नाम से समझ में आता है कि ये क्लाइमेट का फंड है. तो इट वॉज सेट अप इन 2010 अंडर द UNFCCC फाइनेंशियल मैकेनिज्म इन द कानकुन कॉन्फ्रेंस. तो ये फंड UNFCCC ने बनाया है. तो इसमें पैसा कहाँ से आएगा? डेवलप कंट्री से. तो ये डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री में पैसा डालने का निंजा टेक्निक है. एंड GCF इज बेस्ड इन इंचियन, साउथ कोरिया. एंड इट वर्क्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द COP दैट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. ये UNFCCC का ही है. तो याद रखना, GCF UNFCCC का फंड है. नेक्स्ट, पंबा अच्छन कोविल वाइपर रिवर प्रोजेक्ट. तो ये बेसिकली रिवर इंटरलिंकिंग का प्रोजेक्ट है, पंबा का पानी वाइपर में डालने के लिए. और इसीलिए केरला अपोज कर रहा है क्योंकि पानी का डाइवर्जन होगा. तो ये पंबा रिवर कहाँ पे है? पियरमिड प्लेटू इडुकी डिस्ट्रिक्ट. तो यहाँ से ये राइज होता है और अरेबियन सी में चले जाता है. दैट इज एंटायरली फ्लोज इन केरला. एंड अच्छन कोविल रिवर कहाँ है? पठनम थिट्ट डिस्ट्रिक्ट केरला. And it joins the Pamba River at Viyapuram. और Viper River कहाँ है? Varushanad Hill Range, Western Ghats, Tamil Nadu. And this Viper River drains in the Gulf of Mannar. तो याद रखना, ये दो river केरला के हैं और ये river Tamil Nadu का. Next, Project Zero. तो ये project किसका है? Amazon का. और किसके लिए? To block selling of counterfeit goods on its platform. तो अब से सब ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक माल ही यहाँ पे आएगा. और ये कैसे करेगा? थ्रू ऑटोमेटेड प्रोटेक्शंस, सेल्फ सर्विस काउंटरफिट रिमूवल टूल एंड प्रोडक्ट सीरियलाइजेशन. तो ये तीनों से काउंटरफिट गुड्स ब्लॉक करेगा. नेक्स्ट, इंडियास आइंस्टाइन. तो ये कौन है? वशिष्ठ नारायण सिंह. रिसेंटली इनकी डेथ हुई है. एंड ही इज ए मैथमेटिशियन, फिजिसिस्ट नहीं, बच के रहना.
नेक्स्ट, भीम यूपीआई गोस इंटरनेशनल। तो भीम का एक पायलट डेमो हुआ था कहाँ पे, सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में। इट वॉज यूज टू स्कैन दी SGQR एट नेट्स टर्मिनल्स फॉर पेमेंट्स। तो ये बेसिकली उधर का QR कोड है एंड इट वॉज डन बाय NPCI प्लस नेट्स, दैट इज नेटवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स ऑफ सिंगापुर, उधर का NPCI। नेक्स्ट, पेरिस पीस फोरम PPF, तो सेकेंड एडिशन हुआ था कहाँ पे, पेरिस में, एंड इट इज एन एनुअल फोरम। और इसका एम क्या है, ग्लोबल सॉल्यूशंस फॉर ग्लोबल इश्यूज। कितनी बड़ी बात कर दी। और इस फोरम में इंडिया शोड इट सपोर्ट टू क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन समिट। तो क्राइस्टचर्च कॉल क्या है, इट इज ए नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट गिवन बाय न्यूजीलैंड प्राइम मिनिस्टर टू एलिमिनेट टेररिस्ट एंड वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट ऑनलाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऑनलाइन। तो ये ऑनलाइन के लिए है, ऑफलाइन के लिए नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच के रहना। एंड इंडिया हैज साइंड दिस अग्रीमेंट। नेक्स्ट, पेपर बेस्ड सेंसर्स। तो ये सेंसर्स किसके लिए है, फॉर फास्टर असेसमेंट ऑफ फ्रेशनेस ऑफ मिल्क। तो ये कैसे बताएगा कि फ्रेश है या नहीं, इट विल डिटेक्ट द क्वांटिटी ऑफ ALP, दैट इज अल्कलाइन फॉस्फेट। तो अगर ALP है तो मिल्क फ्रेश नहीं है, और अगर नहीं है तो फ्रेश है। तो बेसिकली ALP इज ए बायो मार्कर फॉर इनएडिक्वेट पैस्चराइजेशन। तो ये सेंसर ALP को डिटेक्ट करेगा। और ये सेंसर किसने बनाया है, IIT गुवाहाटी, इसलिए अपना रोहित उधर जाना चाहता है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लावी फेयर। तो ये कहाँ पे हो रहा है, शिमला इन हिमाचल प्रदेश। तो इट इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड फेयर बिटवीन इंडिया एंड टिबेट। तो बेसिकली ये एक ट्रेडिंग का मेला है एंड इसमें ही सेल एंड परचेस ऑफ चामूर्ति हॉर्सेस भी होते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है, स्पीटी हॉर्स। स्पीटी इसीलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में स्पीटी वैली है। एंड दिस हॉर्स इज एन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ हॉर्स, और इसको शिप ऑफ द कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। नेक्स्ट, तोड़ना है फोड़ना है। Your future is created by what you do today, not tomorrow. If you do like the content, please subscribe, like and share. Thank you.